तो आज हम लोग क्लास 12 आव्यूह की प्रश्नावली 3.3 करेंगे। तो आइए प्रश्नावली 3.3 करते हैं। देखिए इसमें लिखा है निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न नंबर एक में पहला दिया हुआ है, देखिए 5 1/2 और -1, ठीक ना। तो देखिए इसके प्रश्नावली 3.3 की, जैसे हमने इसका परिचय में बताया था इंट्रोडक्शन में कि किसी भी आव्यूह का परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए परिवर्त ज्ञात करने के लिए किसी भी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में परिवर्तन किया जाता है। अब देखिए जैसे ये स्पेशल है ना, विशेष आव्यूह है, जैसे इसमें है स्तंभ आव्यूह है, तो इसको सिंपल अगर इसको स्तंभ आव्यूह को परिवर्त करेंगे तो हमको पंक्ति आव्यूह प्राप्त हो जाती है। तो देखिए इसको हम बदल लेंगे, इसको ए ही मान लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, ए डैश बराबर 5 1/2 -1, ठीक ना। और दूसरा भाग में है, इसको हम भी कुछ मान लेते हैं, बी बराबर, ठीक ना, मानिए या ना मानिए कोई दिक्कत नहीं है, परिवर्त लिखकर अगर इसको लिखें लिखें, नहीं तो परिवर्त लिखकर भी लिख सकते हैं, परिवर्त बराबर ये आ गया आंसर, ठीक ना। तो बी इसमें क्वेश्चन में बी माना नहीं है, हमने ले लिया बी 1 -1 2 3, तो इसका परिवर्त कितना हो जाएगा, देखिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में परिवर्तन किया जाता है 1 -1, और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिख लेते हैं, तो ये दूसरा भाग भी हो गया। इसी प्रकार एक तीसरा भाग है उसको भी देख लेते हैं, इसमें लिखा है -1 5 6, करणी 3 5 6 2 3 -1, ठीक ना। तो इसका परिवर्त ज्ञात करना है, तो यहाँ सिंपल लिख सकते हैं परिवर्त, ठीक ना, या तो कोई आव्यूह मान लेते हैं, ए बी माने तो यहाँ से भी मान सकते हैं। तो इस प्रकार आ जाएगा, देखिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में परिवर्तन कर देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 5 6, और करणी 3 5 6 को ऐसे लिख सकते हैं करणी 3 5 6, और 2 3 -1 को 2 3 -1, तो ये परिवर्त ज्ञात हो गया, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर दो देखते हैं। प्रश्न नंबर दो में देखिए लिखा है, यदि एक आव्यूह दे रखा है a बराबर -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक ना, और एक आव्यूह दे रखा है b बराबर -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक ना। ये दो आव्यूह दिया है और हमको सत्यापित क्या करना है, दो भाग दिया हुआ है, तो पहला लिख लेते हैं। पहले में लिखा है a प्लस बी डैश बराबर डैश मतलब परिवर्त a डैश प्लस बी डैश, तो देखिए ये एक प्रमेय ही है, अगर दो आव्यूह का योगफल करके उसका परिवर्त ज्ञात करेंगे तो दोनों आव्यूह के परिवर्त को ज्ञात करके योगफल करेंगे तो सेम आता है, ठीक ना। यही हमको उदाहरण दिया हुआ है आव्यूह को, इसको लेकर इसको हल करना है, तो हम पहले a प्लस बी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक ना। a दिया है b दिया है, तो पहले a डैश और b डैश निकाल के रख लेते हैं, फिर उनका योगफल करना रह जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं। देखिए a डैश क्या हो जाएगा, जो भी पहली पंक्ति है उसको पहले स्तंभ बदल देंगे, तो -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1, ठीक ना, ये बदल गया। अब b डैश देखिए, b डैश बराबर -4 1 -5, ठीक ना, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में परिवर्तन कर दिया, ये दूसरी पंक्ति 1 2 0 1 3 1, ठीक ना, ये परिवर्तन हो गया। अब देखिए यहाँ a प्लस बी चाहिए हमको, तो
तो पहले हम लिखेंगे a प्लस बी, मतलब दोनों अवयव को जोड़ेंगे, माइनस एक दो तीन पाँच सात नौ, माइनस दो एक एक, प्लस ये रहा बी अवयव, माइनस चार एक, माइनस पाँच एक, दो शून्य एक, तीन एक, ठीक ना। इनको योग कर लेते हैं तो क्या होगा इनका, देखिए माइनस एक और माइनस चार ये हो जाएगा माइनस पाँच, दो और एक तीन, ये माइनस दो, पाँच एक छः, सात दो नौ और ये नौ, ये हो जाएगा माइनस एक, तीन और एक चार, एक एक दो, ठीक ना। अब हमको इसका परिवर्त ज्ञात करना है तो लिखेंगे a प्लस बी परिवर्त, क्या हो जाएगा पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बदल जाएगा, तो लिखेंगे माइनस पाँच तीन, माइनस दो छः नौ, नौ माइनस एक चार दो, ठीक ना। तो ये ज्ञात कर लिया हमने। अब देखिए हमको इसमें चाहिए a डैश प्लस बी डैश, तो हमको ये निकाले हैं, हम इसको जोड़ लेते हैं, तो लिखेंगे a डैश प्लस बी डैश बराबर माइनस एक पाँच, माइनस दो दो सात एक, तीन नौ एक, प्लस माइनस चार एक एक, एक दो तीन, माइनस पाँच शून्य और ये एक आ गया। जोड़ लेते हैं इनको तो देखिए क्या आएगा, माइनस एक माइनस चार माइनस पाँच, पाँच एक छः, ये हो जाएगा माइनस एक, दो और एक तीन, सात दो नौ और तीन एक चार, ये माइनस दो नौ और ये दो, ठीक ना। तो देखिए मिला लीजिए, माइनस पाँच छः माइनस एक तीन नौ चार माइनस दो, ये हो गया, ठीक ना। तो देखिए आ गया a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश, ठीक ना। तो ये सत्यापित हो गया या सिद्ध हो गया, ठीक ना। इसका अब दूसरा भाग देख लेते हैं। देखिए इसका दूसरा भाग है a माइनस बी का डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश, ठीक ना। तो इसमें भी a डैश बी डैश ही चाहिए था, यहाँ a डैश निकाल लेते हैं। देखिए क्या है इसका a डैश, माइनस एक दो तीन पाँच सात नौ, माइनस दो एक एक, ठीक ना। और यहाँ b डैश भी निकाल लेते हैं, b डैश में क्या था, देखिए माइनस चार एक, माइनस पाँच एक, दो शून्य एक, तीन एक, ठीक ना। अब a माइनस बी निकाल लेते हैं, यहाँ पर a माइनस बी बराबर माइनस एक दो तीन पाँच सात नौ, माइनस दो एक एक, माइनस माइनस चार एक, माइनस पाँच एक, दो शून्य एक, तीन एक, घटा लेते हैं इसको। देखिए एक में माइनस है ना, तो दो माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो माइनस वन प्लस फोर थ्री, है ना, चार में से एक गया तीन, दो और एक तीन, और माइनस माइनस प्लस तो पाँच तीन आठ, पाँच में से एक गया चार, सात में से दो गया पाँच, नौ में जीरो गया नौ, माइनस दो माइनस एक माइनस तीन, एक माइनस तीन माइनस दो, एक माइनस एक शून्य, ठीक ना। अब इसका परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं, a माइनस बी का परिवर्त बराबर, देखिए ये पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ बदल दिया, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में बदल दिया। अब इसमें भी देखिए माइनस करना है तो लिख लेते हैं a डैश माइनस बी डैश, तो माइनस एक पाँच, माइनस दो दो सात एक, तीन नौ एक, माइनस माइनस चार एक एक, एक दो तीन, माइनस पाँच शून्य एक, ठीक ना। तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस चार हो जाएगा, प्लस चार हो जाएगा, चार में एक गया तीन,
पाँच माइनस एक चार, चार माइनस और माइनस एक तो माइनस तीन, ये माइनस वन, दो में से एक गया एक, सात में से दो गया पाँच, एक में से तीन गया माइनस दो, ये माइनस दो पाँच तीन आठ हो गया यहाँ पर, और नौ में से शून्य गया नौ, एक में से एक गया शून्य। तो देखिए आता है क्या इतना, तीन चार माइनस तीन एक, पाँच माइनस दो आठ नौ दो, तो देखिए दोनों तरफ आ गया, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक ना। तो देखिए a माइनस बी का डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश, तो ये हो गया इति सिद्धम, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर दो हो गया, प्रश्न नंबर तीन देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर तीन में है, a डैश दिया हुआ है, ठीक ना। तो तीन चार माइनस एक दो शून्य एक, और b दिया है माइनस एक दो एक, एक दो तीन, ठीक ना। तो क्या ज्ञात करना है, देखिए पहला निकालना है a प्लस बी डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश, ठीक ना। तो हम इसमें देखिए, इसमें पहले a डैश है, a डैश पता ही है, b डैश निकाल लेंगे, यहाँ a की भी ज़रूरत है, ठीक ना। तो देखिए हमने एक प्रमेय बताया कि अगर किसी भी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त ज्ञात करें तो हमको a प्राप्त हो जाता है, ठीक ना। इसी प्रकार a परिवर्त ज्ञात किया हुआ, हम इसका फिर परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं तो हमको a प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इसका परिवर्त ज्ञात करना है हमको, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा तीन चार, ये माइनस एक दो जीरो एक, तो ये a का मान ज्ञात आ गया, ठीक ना। और हमको a डैश पता ही है, b डैश निकाल लेते हैं यहीं पर। तो देखिए b डैश कितना हो जाएगा, माइनस एक दो एक, एक दो तीन, ठीक ना, ये हो गया। अब हमको a प्लस बी चाहिए, तो पहले a प्लस बी ज्ञात कर लेते हैं। तो a का मान देखिए रहा, माइनस तीन माइनस एक शून्य, चार दो एक, प्लस b कितना है, ये रहा b, माइनस एक दो एक, एक दो तीन, ठीक ना। योग कर लेते हैं, तीन में से एक गया दो, माइनस एक प्लस दो, दो में से एक गया एक, और ये एक चार एक पाँच, दो दो चार, तीन एक चार, ठीक ना। इसका परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर, a प्लस बी का परिवर्त बराबर, देखिए पहली पंक्ति को पहले कॉलम में बदल लेंगे, टू वन वन, ठीक ना, ये पाँच चार, ये चार, ठीक ना। तो ये हो गया। इसी प्रकार अब देखिए इसमें क्या करना है, दोनों के परिवर्त का योगफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं a डैश प्लस बी डैश बराबर, तो a डैश ये रहा तीन चार माइनस एक दो शून्य एक, प्लस और b डैश ये रहा माइनस एक एक दो दो एक तीन। तो जोड़ेंगे तो तीन माइनस एक दो, चार और एक पाँच, दो में एक गया एक, दो दो चार, एक और तीन एक चार। तो देखिए इसके बराबर आया दो एक एक पाँच, ठीक ना। तो इस प्रकार आ गया a प्लस बी का परिवर्त बराबर a परिवर्त प्लस बी का परिवर्त, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक ना। तो इति सिद्धम। तो इस प्रकार ये पहला भाग भी सिद्ध हो गया। अब इसका दूसरा भाग देख लेते हैं, ये माइनस वाला है, देखिए दूसरा भाग लिखेंगे a माइनस बी का परिवर्त बराबर a डैश माइनस बी का परिवर्त, b डैश का परिवर्त, है ना, b परिवर्त। तो इसमें a माइनस बी निकालना है हमको, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, तो पहला a कितना है
तीन माइनस एक शून्य, चार दो एक, माइनस बी कितना है, बी रहा माइनस एक दो एक, एक दो तीन, ठीक ना। तो तीन में से दो माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो तीन और एक चार, माइनस तो माइनस तीन, माइनस एक, चार में से एक गया तीन, दो में से दो गया शून्य, और एक में से तीन गया माइनस दो, ठीक ना। और इसका परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं, ए प्लस ए माइनस बी का परिवर्त ये हो जाएगा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल दे रहे हैं और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदल दिया, ठीक ना। और यहाँ पर ए डैश माइनस बी डैश चाहिए, तो ए डैश माइनस बी डैश, तो ए डैश कितना है, तीन चार माइनस एक दो शून्य एक, और बी डैश कितना है, माइनस एक एक दो दो एक तीन, अब इसको घटा लेते हैं, देखिए दो माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो तीन और एक चार, चार में से एक गया तीन, माइनस एक माइनस दो, माइनस एक माइनस दो तो हो जाएगा माइनस तीन, दो में दो गया शून्य, दो माइनस एक, एक में से तीन गया माइनस दो, ठीक ना। तो देखिए आया, हाँ आ गया, तो लिखेंगे a माइनस बी का डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश, तो लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, है ना, दोनों तरफ का बराबर आ गया, तो लिखेंगे इतनी सीधा, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर तीन हो गया, प्रश्न नंबर चार देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर चार में लिख लेते हैं इसको, तो प्रश्न नंबर चार इसमें लिखा है a डैश बराबर माइनस दो तीन एक दो, और b दिया है माइनस एक शून्य एक दो, ठीक ना। तो हमको ज्ञात करना है a प्लस टू बी का डैश ज्ञात करना है, a प्लस टू बी का डैश, ठीक ना। तो b का मान दिया हुआ है, a डैश का मान दिया है, इसलिए हम इसका a मान ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो देखिए प्रमेय लगाएंगे, a डैश का डैश है ना बराबर a प्राप्त होता है, तो हम क्या करेंगे, इस परि a के परिवर्त का परिवर्त ज्ञात कर लेंगे, तो जगह माइनस दो, माइनस दो तीन एक दो, ठीक ना। और दो बी चाहिए, तो हम b में पहले दो का दो बी कर लेते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर a प्लस टू बी बराबर ये है माइनस दो एक तीन दो प्लस टू बी कहता है माइनस एक शून्य एक और दो, ठीक ना। तो माइनस टू एक तीन दो, दो गुणा कर देंगे तो प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाएगा, तो माइनस दो शून्य दो चार, अब इनका योग ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस चार तीन एक, तीन दो पाँच, और चार दो छः, इसका परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं, मान ज्ञात हो जाएगा, तो a प्लस टू बी का परिवर्त बराबर पहली पंक्ति को पहले कॉलम बदल देते हैं, माइनस चार एक पाँच छः, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर चार का मान ज्ञात हो गया। अब प्रश्न नंबर पाँच देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर पाँच में है, ए तथा बी आवयू के लिए सत्यापित करना है, क्या करना है, देखिए लिखें ए बी मतलब दोनों आवयू का गुणनफल का परिवर्त बराबर बी डैश और ए डैश, है ना, बी आवयू का परिवर्त और ए आवयू के परिवर्त के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो पहला भाग देखते हैं इसका, ए बराबर दिया है एक माइनस चार तीन, और बी दिया है माइनस एक दो एक, ठीक ना। तो हम इसका पहले इनका
सबका पहले देखिए यहाँ बी डैश भी चाहिए, ए डैश भी चाहिए, तो हम पहले ए डैश और बी डैश निकाल लेते हैं। तो देखिए ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, देखिए एक स्तंभ आव्यूह है तो इसका पंक्ति आव्यूह हो जाएगा, एक माइनस चार तीन, और ये बी का कितना, बी डैश हो जाएगा, ये पंक्ति आव्यूह है इसका परिवर्त स्तंभ आव्यूह में परिवर्तन हो जाता है। तो ये हो गया, अब हमको पहले चाहिए ए बी, है ना, ए गुड़े बी चाहिए, तो हम ए और बी को लिख लेते हैं, ये रहा ए, एक माइनस चार तीन, और ये है माइनस एक दो एक, ठीक ना। तो गुणा कैसे होता है, देखिए इसमें पहले ये जो अवयव है, पहली पंक्ति का पहला अवयव, इसमें पहले कॉलम का पहला अवयव का गुणा होता है, ठीक ना। तो एक गुणे माइनस एक, ठीक ना। अब इसके बाद दूसरी इसका गुणा करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो किस में आएगा, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, देखिए एक गुणे दो और एक गुणे एक, फिर माइनस चार गुणे माइनस एक और माइनस चार गुणे दो और माइनस चार गुणे एक, तीन गुणे माइनस एक, तीन गुणे दो और तीन गुणे एक, ठीक ना। इसका गुणा इसमें किया यहाँ लिखा, इसका गुणा इसमें किया यहाँ लिखा, इसका गुणा इसमें किया ये लिखा, फिर इन तीनों इन पे गुणा किया तो यहाँ यहाँ लिख दिया, और इसका गुणा इसमें किया यहाँ लिखा, इसका गुणा इसमें किया यहाँ लिखा, और इसका गुणा किया इसमें यहाँ किया, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, माइनस एक, दो एक कम दो, एक एक कम एक, चार एक कम चार, चार दूनी आठ, चार एक कम चार, तीन एक कम तीन, तीन दूनी छः और तीन एक कम तीन। तो देखिए इसका ये आ गया ए गुड़े बी का ये मान ज्ञात हो गया। अब हम इसका परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं, देखिए यहाँ लिखते हैं ए बी का परिवर्त बराबर, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, माइनस एक दो और एक, चार माइनस आठ माइनस चार, ठीक ना, चार माइनस आठ चार, माइनस तीन छः और तीन, ठीक ना। तो माइनस तीन छः तीन ये आ गया। अब बी डैश और ए डैश निकालना है ना, तो लिखते हैं यहाँ पर बी डैश और ए डैश, तो गुणनफल करना है। तो देखिए बी डैश क्या है, ये रहा माइनस एक दो एक, और ए डैश ये रहा एक माइनस चार और तीन, तो ठीक ना। तो जैसे इसका आप यू का गुणनफल किया था, इसका भी यहाँ भी कर लेंगे, तो ये प्राप्त हो जाएगा माइनस एक गुणे एक, माइनस एक गुणे माइनस चार, माइनस एक गुणे तीन, दो गुणे एक, दो गुणे माइनस चार, दो गुणे तीन, एक गुणे एक, एक गुणे माइनस चार, एक गुणे तीन। तो इसको हल करेंगे तो देखिए माइनस एक चार और तीन एक कम तीन, दो एक कम दो, चार दूनी आठ, तीन दूनी छः, एक माइनस चार और तीन। तो देखिए इसका बराबर आ रहा है कि नहीं, ये रहा माइनस एक दो एक, चार माइनस आठ चार माइनस तीन, ये आ गया, ठीक ना। तो लिखेंगे चूंकि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश, ठीक ना, ये सत्यापित या सिद्ध हुआ, ठीक ना, सत्यापित या सिद्ध हुआ। तो प्रश्न पाँच का पहला भाग हो गया, अब दूसरा भाग देख लेते हैं। देखिए दूसरा में ए बराबर शून्य एक दो और बी बराबर दिया है एक पाँच सात, तो इसका परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं पहले। ए डैश कितना हो जाएगा, तो ये स्तंभ अभी है तो इसका पंक्ति अभी में बदल जाएगा, तो ये हो गया। फिर बी डैश बराबर कितना हो जाएगा, एक पाँच ये सात, ठीक ना। तो अब इनका पहले ए गुणे बी ज्ञात कर लेते हैं हम, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए का मान जीरो एक दो और बी कितना है एक पाँच सात, तो इनका गुणा कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो गुणे एक
फिर ये जगह जीरो गुड़े पाँच, जीरो गुड़े सात, इसका हो जाएगा एक गुड़े एक, एक गुड़े पाँच, एक गुड़े सात, दो गुड़े एक, दो गुड़े पाँच और दो गुड़े सात, ठीक ना। इसका बड़ा इसमें कर लिया, इसका बड़ा इसमें, सब आके लिखते जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा जीरो एक दो, जीरो पाँच दस, जीरो सात चौदह, ठीक ना। तो ये हो गया। तो देखिए इसका ए बी का परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं यहीं पर, ए बी का परिवर्त। तो कितना हो जाएगा, ये जगह शून्य शून्य शून्य, एक पाँच सात, दो दस चौदह, ठीक ना। अब हमको क्या करना है, बी डैश ए डैश का गुणनफल करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं बी डैश ए डैश। बी क्या है, एक पाँच सात, और ए डैश कितना है, शून्य एक दो, ठीक ना। अब इसका गुणा कर लेते हैं, इसका होगा एक गुणे शून्य, एक गुणे एक, एक गुणे दो, पाँच गुणे शून्य, पाँच गुणे एक, पाँच गुणे दो, सात गुणे शून्य, सात गुणे एक और सात गुणे दो, ठीक ना। तो ये हो जाएगा ये शून्य ये शून्य ये शून्य, एक पाँच सात, दो दस और चौदह, ठीक ना। तो ये देखिए आगे इसके बराबर। तो इस प्रकार हमको बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ गया, बराबर दायां पक्ष, ठीक। तो प्रश्न नंबर छः देखते हैं अब। प्रश्न नंबर छः का पहला, यदि a बराबर cos अल्फा sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा, ये दिया हुआ है, और क्या निकाला है, ए डैश ए बराबर आई आना चाहिए, है ना। तस्मक आव्यूह चाहिए, तत्सम आव्यूह चाहिए। तो इसमें लिखते हैं ए डैश निकाल लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, ठीक ना। परिवर्त ज्ञात कर लिया, अब इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। ए ए डैश बराबर ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो गुणनफल कर लेते हैं। तो देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ किसान गुणा होगा, तो इसका पहले इसका गुणा करेंगे। देखिए कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, ठीक ना, प्लस साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक ना। फिर इसका बड़ा इसमें करेंगे तो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस, ठीक ना। फिर इसका बड़ा इसमें करेंगे तो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस, ये जाएगा साइन और कॉस है तो लिखेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसका बड़ा इसमें करेंगे तो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक ना। दो माइनस मिलके प्लस हो जाएगा साइन अल्फा कॉस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा, देखिए देखिए ये सर्वसमिका है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू एक होता है, ठीक ना। और ये देखिए सेम चीज़ है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जीरो हो गया, ये देखिए सेम चीज़ है कैंसिल हो गया जीरो हो गया, इसका भी मान एक होता है सर्वसमिका होने के कारण, तो इस प्रकार ये आई हो गया, ठीक ना। तो देखिए ए ए डैश बराबर आई, ठीक ना। तो ये सत्यापित हो गया। अब दूसरा भाग देख लेते हैं। दूसरे भाग में है ए बराबर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक ना। तो इसमें भी हमको सिद्ध करना यही चीज़, तो इसको देख लेते हैं।
इसका पहले परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक ना। और इनका गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं, तो ए डैश है तो पहले ए डैश लिख लेते हैं, ए डैश ए बराबर, देखिए ये लिखा है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और इसको पहले फिर इसके बाद लिख लेते हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक ना। गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं इनका, तो देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ का गुणा साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, ये देखिए इसका गुणा करेंगे तो दो माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस अल्फा का कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, फिर इनका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक ना। और इसका गुणा इसमें करेंगे तो जाएगा यहाँ साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक ना। तो देखिए इसका क्या हो जाता है, ये सरसमिका होती है, इसका मान एक हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ठीक ना। तो इसका मान ये एक आ गया, आई हो गया, इस प्रकार ए डैश ए बराबर आई हो गया, ठीक ना। तो ये सत्यापित हो गया, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 समाप्त हो गया।